गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ क्लास दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 19th सेंटेंसेस। सो क्लास इन आवर लास्ट सेशन वी अंडरस्टूड अबाउट सेंटेंसेस। ओके दैट व्हाट इज अ सेंटेंस। ओके व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ओके नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस? फोर टाइप्स। फर्स्ट इज declarative, whenever you got or see any statement, that is a declarative sentence. Second, interrogative, whenever you see any question, that is called interrogative. Next is imperative, whenever you see any command, request, advice, order. Okay, so all this comes in the imperative form, imperative sentences. And exclamatory sentence means sudden feeling, excitement or surprise, that is called exclamatory sentences. Okay, so in the last session you also done question number A, B and C also. Okay, question number C is based on parts of a sentence. There are two parts of sentence. First is subject, means the doer. Okay, and the second part is predicate, when what the doer does. Okay, जो doer क्या होता है, जो भी काम कर रहा हो sentence में, वो आपका doer हुआ, मतलब subject part, और जो काम वो कर रहा है, ठीक ना, तो वो क्या हो गया आपका predicate हो गया. Okay, so question number C also done and here question number D is also done. So the next topic is affirmative and negative sentences. Class, the declarative form, the declarative sentence have two parts. First part is affirmative, means positive way, and second part is negative sentences. Okay, the negative way. कोई भी sentence हम बोलते हैं, statement देते हैं, तो उसका एक positive way भी होता है. जैसे I want to teach you. Okay, I want to go Goa. Okay, I am going to the market. Okay, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया, पॉजिटिव वे हो गया. अब सेकेंड वे इज नेगेटिव. ओके, जिसमें हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मार्केट. ओके, आई एम नॉट हैप्पी. ओके, यू आर नॉट स्टडिंग वेल. तो जो भी चीज़ें नेगेटिव में हों, जिसमें नो और नॉट और नेवर, इस तरह के वर्ड्स हैं, वो क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं. ठीक, अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव में है कि हाँ मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक, यस में है, तो वो अफर्मेटिव हो गया. और कोई भी काम जो नो में है, नो द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, ओके द फैन इज नॉट वर्किंग वेल, तो कोई भी चीज़ जो नेगेटिव में है, नहीं में जा रहा है कि नहीं ये काम नहीं हो रहा है, ठीक ना, उसका नेगेटिव वे दिखा रहा है, तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है. क्लियर? जस्ट लाइक हियर देयर आर सम एग्जांपल्स. रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. अफर्मेटिव, आई हैव अ पेट पैरेट. सेकेंड, आई डोंट हैव अ पेट पैरेट. ओके, आई हैव अ पेट पैरेट, मेरे पास एक पैरेट है. ओके, पेट पैरेट है, ठीक, ये आपका पॉजिटिव वे हो गया, अफर्मेटिव. एंड आई डोंट हैव अ पेट पैरेट, मेरे पास नहीं है, ठीक ना. और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, आई हैव नो पेट पैरेट. ठीक, मेरे पास कोई भी पेट पैरेट नहीं है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वे हो गया. ये आप क्या शो कर रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं. ओके, सेकेंड, दे कलेक्टेड सेल्स ऑन द बीच. दिस इज द पॉजिटिव वे. ओके, अफर्मेटिव वे. एंड नेक्स्ट इज दे डिड नॉट और डेंट कलेक्ट सेल्स ऑन द बीच. ओके, इसमें क्या शो, पहले में क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव वे शो कर रहा है कि वो लोग क्या है, बीच से जो सेल्स होते हैं उसको कलेक्ट किया उन्होंने, और सेकंड में क्या है, उन्होंने कलेक्ट नहीं किया, ठीक ना. फर्स्ट में क्या दिखा रहा है, कलेक्ट किया है, ठीक, बीच से सेल्स जो होते हैं और उन्होंने उनको कलेक्ट किया है, और सेकंड में क्या शो कर रहा है, कलेक्ट नहीं किया है. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज अफर्मेटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. नेक्स्ट इज अफर्मेटिव, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी. एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव, इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी. Clear how to convert all these sentences negative? We have to use not. Okay, next is affirmative, I have done my work.
दिस इज द पॉजिटिव वे कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है, अफर्मेटिव वे. एंड नेगेटिव, आई हैव नॉट डन माई वर्क. ठीक, मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है. सो दिस इज कॉल्ड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. वेन द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव वे इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव, एंड वेन द सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म इट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. ओके, रीड हियर व्हाट इज दिस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर पॉजिटिव सेंटेंसेस. दे टेल अस और अफर्म व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस इज डज और हैज. ओके, जो भी सेंटेंस हो जिसमें आपके पास हाँ कि ये चीज मेरे पास है, ये मैंने काम किया है, जब वो हाँ में आए, ठीक ना, पॉजिटिव वे में आए, ठीक, तो वो क्या होता है, अफर्मेटिव. एंड नेगेटिव सेंटेंसेस हैव द वर्ड्स नो और नॉट इन देम. ओके, व्हेन यू फाइंड नो और नॉट और नेवर इन एनी सेंटेंस इट मीन्स इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस. दे आर यूज टू डिनाई और कॉन्ट्रेडिक्ट समथिंग. ओके, कोई भी चीज़ रिफ्यूज करना, मना करना, ठीक ना, कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, ये काम मैंने नहीं किया है, तो दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस. वी ऑफ्टन यूज कॉन्ट्रैक्शंस विद शॉर्ट नेगेटिव सेंटेंसेस बट नॉट विद शॉर्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके, वेन एवर वी राइट डू नॉट, वॉज नॉट, इज नॉट, सो वी यूज शॉर्टकट फॉर्म. ओके, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. Like here, you can see easily, do not, don't, did not, didn't, was not, wasn't, have not, haven't. Okay, so this is called the contraction form of negative words. Clear? And class, when the sentence is in present tense, okay, S or ES form, simple present tense. So, how do we change it? We use do or does. Do for plural word and does for singular word. Okay, just like here, this example. No, here there is no example. Suppose that the example is he plays in the garden. The simple present tense is he plays in the garden. He plays football in the garden or in the playground. So the negative way is he does not play football in the playground. Okay? जो आपके सिंपल सेंटेंस में प्लेस था अफर्मेटिव में, जब उसको नेगेटिव करोगे तो वो क्या हो जाएगा, does not play, प्लेस नहीं करोगे आप लोग, ठीक ना. Now come to the next page. Here this is the rule. Affirmative, yes I have, we do not write yes I have. Okay, अगर affirmative में है तो हम उसका full form में लिखते हैं, shortcut या contraction form में नहीं लिखते, yes I have. Okay, और and if the answer is will be negative, so you will write no I haven't. Okay, so here in negative way you can use the contraction form. Okay, shortcut form. We have to add a helping verb to many affirmative sentences to change them into negative sentences. Okay? अगर किसी भी affirmative से negative में change करना है तो हमें helping verb use करने होते हैं. Just like do, did. Okay? Do, does, did. And is, am, are, was, were, will, shall. So we use all types of helping verb to change from affirmative to negative. Just like here, Suman completed her work fast. So this is the example of simple past tense. Suman completed her work fast. Suman ne apna kaam bahut jaldi se complete kar liya. Theek? Ye past tense ki baat hai, complete kar liya tha. Theek? Ye past tense hai na? Ab is past tense ko hum negative mein change karna ga, to hum kaise karte hain? Suman did not or didn't complete. Ab dekho yahan pe completed tha na? जब यहाँ पे हम डिड कर दिए हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक, अगर आपका एग्जांपल सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक, हमें उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिड नॉट. ओके, और जो यहाँ पे देखो जो सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई थी कंप्लीटेड,
वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने डिड कर दिया है ना सेकंड फॉर्म, तो उसको दोबारा करना रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो द आंसर इज लाइक दिस, सुमन डिडंट कंप्लीट हर वर्क. सुमन ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया. ओके, वर्क फास्ट. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन द वर्ब इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस. वॉट इज दिस, इफ देर इज मोर देन वन वर्ड. ओके, वेन द वर्ब इज मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, वी पुट नॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस. जस्ट लाइक दिस, साहिल विल गो टू द मार्केट टूडे. साहिल विल नॉट गो टू द मार्केट टूडे. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही सेंटेंस में एक की जगह दो तीन वर्ब वर्ड हैं, तो जो तुरंत हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. ठीक ना, जस्ट लाइक हियर, देखो यहाँ पे टू वर्ब वर्ड है, एक तो विल भी है और गो भी है, तो कैसे चेंज होगा, विल नॉट गो. ओके, साहिल विल गो, साहिल विल नॉट गो. इजी ना, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर वो प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक He plays in the garden. ये आपका प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है ना, तो अगर आपको पास्ट में चेंज कर सॉरी नेगेटिव में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, He does not play in the garden. जो प्लेस था वो प्ले बन जाएगा. ठीक, दूसरा चीज़, अगर आपका पास्ट टेंस में कोई एग्जाम्पल है, He played in the garden. He played in the garden. तो आपका नेगेटिव में कैसे बनेगा, He did not प्ले इन द गार्डन. प्लेड नहीं करना, प्लेड करोगे ईडी यूज करोगे तो रॉन्ग होगा. ठीक ना, जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आप ऑलरेडी डिड नॉट और डज नॉट यूज कर चुके हो, तो जो वर्ब फॉर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा. ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर ई, चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन टू नेगेटिव सेंटेंसेस. क्लास हियर इन दिस क्वेश्चन देयर आर सम examples sentences which in affirmative form you have to change them in negative. Okay, so simply you have to remember one important thing, that you have to use helping verb plus not, one thing, and the second thing is verb will be in first form. Jo verb hai wo aapka first form mein hoga. Clear? So ready, so the first example is, first sentence is Mahesh is angry with Riz. So the negative is Mahesh is not angry with Riz. Okay, simply you have to add not after helping verb. Mahesh is not angry with Riz. जो भी आपके helping verb उसके तुरंत बाद हमको not use कर देना है. Okay, second, I came in through the window. So now here the word came is the verb word which is in second form. So here the correct way to write this, I did not come. Okay, ये came आपका past tense है ना, तो past tense के sentence को कैसे change करते हैं, did not में. Okay, I did not come. अब देखो यहाँ came था, यहाँ पे come होगा first form. बोल लेना बार बार कि negative way में change करने पे जो verb word है उसका first form use होता है. Okay, अब came, I came, मतलब past tense की बात है, simple past. सिंपल पास्ट के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं. ठीक, अब यहीं पे केम की जगह कम होता तो हम लोग आई डू करते. ठीक ना, लेकिन ये पास्ट टेंस है, तो आई डिड नॉट कम इन थ्रू द विंडो. बाकी कोई चेंज नहीं होना है, बस आपको फोकस करना है आपके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पे. ठीक, नेक्स्ट इज सायुरी वर्क्स फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर. So here works, it means the sentence is in simple present tense. So we use do or does. Sayuri is the singular form, so we use does. Sayuri does not work for a local newspaper. Okay, yahan pe dekho works tha, to yahan pe work hoga. Bola na maine ki first form use karna hai. Ab works matlab ki simple present tense, to do or does mein se use karte hain hum log. Sayuri singular form hai, तो डज यूज करेंगे. यहाँ पे अगर प्लूरल वर्ड होते हैं सयुरी एंड रिया, ठीक, या वी वर्क, प्लूरल फॉर्म होता है ना,
तो यहाँ पे तुम डू करते, लेकिन यहाँ सिंगुलर फॉर्म था तो हम लोग डज यूज़ करते हैं। सयूरी डज नॉट वर्क फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, आदिल विल बी बैक टुमारो। सो इट्स अ सिंपल सेंटेंस, सो यू विल राइट आदिल विल नॉट बी बैक टुमारो। ओके, सिंपल फॉर्म ना, कुछ नहीं करना है, बस जो विल और बी था यहाँ पे दो वर्ब है ना, देखो यहाँ पे बोला गया था कि जब भी बहुत सारे वर्ब हो, टू वर्ड हो, थ्री वर्ड हो, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब वर्ड है उसके तुरंत बाद हमको नॉट यूज़ करना है। सो आदिल विल नॉट बी बैक टुमारो। क्लियर। नेक्स्ट, दीपक डोनेटेड मनी टू द फ्लड विक्टिम्स रिलीफ फंड। ओके, सो हियर वर्ब वर्ड इज डोनेटेड, मीन्स सिंपल पास्ट। सो व्हाट डू वी यूज, डिड नॉट डोनेट, यहाँ डोनेटेड है तो यहाँ डोनेट करेंगे, और ये आपका पास्ट टेंस है तो हम लोग डिड नॉट यूज करेंगे। दीपक डिड नॉट डोनेट मनी टू द फ्लड विक्टिम्स रिलीफ फंड। इजी, सो दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट इज, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन देयर अफर्मेटिव फॉर्म। नाउ क्लास, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चेंज दीज नेगेटिव सेंटेंसेज इन अफर्मेटिव वे और अफर्मेटिव फॉर्म। ओके, सो द फर्स्ट इज, द वर्क मैन डिड नॉट कवर द मैन होल। सो हियर डिड नॉट, इट मीन्स द सेंटेंस इज ए सिंपल पास्ट टेंस। सो व्हाट डू वी यूज, वी यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म टू चेंज इट इन अ अफर्मेटिव फॉर्म। द वर्क मैन कवर्ड अप द मैन होल। इजी ना, डिड नॉट कवर को हम क्या करेंगे, कवर्ड कर देंगे बस। ठीक, ये आपका अफर्मेटिव है और जो इस सेंटेंस दिया हुआ था वो नेगेटिव था। नेक्स्ट, इट वोंट रेन टुडे। सो द पॉजिटिव वे इज, इट विल रेन टुडे। ओके, वोंट आपका क्या है, पास्ट फॉर्म है, और प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, इट विल रेन टुडे। ठीक ना, सॉरी, वोंट आपका नेगेटिव वे में था, प्रेजेंट तो है लेकिन क्या है, नेगेटिव है। ओके, और विल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल रेन टुडे। नेक्स्ट इज, सी डजंट ईट मीट। सो डजंट मीन्स सिंपल प्रेजेंट, सो हाउ टू राइट दिस, सी ईट्स मीट, सिंपल वे। ओके, सी ईट्स मीट। ओके, सो दिस डन, दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर, माई ब्रदर एंड आई डोंट एग्री ऑन मैनी थिंग्स। ओके, सो दिस इज द नेगेटिव एग्जाम्पल, पॉजिटिव एग्जाम्पल इज माई ब्रदर एंड आई एग्री। अब देखो यहाँ पे डोंट था ना, ठीक, डोंट एग्री, सो पॉजिटिव इज एग्री, डोंट यहाँ पे रिमूव कर देंगे। आई एग्री ऑन माई मैनी थिंग्स। ओके, माई ब्रदर एंड आई एग्री ऑन मैनी थिंग्स। नेक्स्ट इज, दे शुड नॉट हैव वेटेड फॉर अस। सो शुड नॉट, नेगेटिव एग्जाम्पल, सो हाउ टू चेंज इट, यू विल राइट लाइक दिस, दे शुड हैव वेटेड फॉर अस। यू सी ना, यहाँ देखो शुड नॉट था, ठीक, तो नॉट को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली दे शुड हैव वेटेड फॉर अस। ओके, ध्यान कब रखना रहता है बस आपको, जब आपके जो वर्ब वर्ड हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और सिंपल पास्ट में हो। ठीक, सिंपल पास्ट में एस ई एस रहता है, तो जब नेगेटिव चेंज करेंगे तो एस ई एस नहीं यूज़ करना रहता है, और सिंपल पास्ट में क्या होता है, ई डी का यूज़ होता है, सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, तो जब उसको अफर्मेटिव में करते हैं, सॉरी नेगेटिव में जब करते हैं अफर्मेटिव से, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी किसी में चेंज नहीं होता है, मोस्टली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होते हैं। ओके, और ये देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, तो हैव वेटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ क्लास, इन दिस क्वेश्चन, ओके, इन योर अर्लियर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एफ, यू लर्न दैट हाउ टू कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस इन नेगेटिव। ओके, बट इन दिस क्वेश्चन, इन नेक्स्ट टॉपिक, यू लर्न दैट हाउ वी चेंज ऑन कन्वर्ट अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू अ इंट्रोगेटिव। किस तरीके से एक स्टेटमेंट का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक ना। सो व्हाट इज दिस, रीड हियर, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव, द बीज विल कलेक्ट
pollen to make honey. This is the statement. And if you change the same sentence in a question, simply you have to use the helping verb at the first place. जो भी helping verb है उसको हमें क्या करना है, first place पे ला देना है. और suppose करो जो example उसमें आपको helping verb नहीं दिख रहा है, okay? तो ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब आपका sentence या तो simple present tense में हो और या तो simple past में हो. तो simple present है अगर, तो do does का use करते हैं हम लोग. do does आपका simple present tense का helping verb है. और अगर आपका example past tense में है तो हम लोग did का use करते हैं. did जो है आपका simple past का helping verb होता है. okay? So the first example is the bees will collect pollen to make honey. So in this example will is the helping verb, so you have to put or write will at the first place. Will the bees collect pollen to make honey? Easy na? Bahut easy hai. Bas aapko jo helping verb hai wo aapko search karna hai. Theek, helping verb kya hota hai? Is, am, are hota hai, was, were, will, shall, okay, do, does, did, usko उठा करके फर्स्ट प्लेस पे कर दो और बाकी सब सेम टू सेम उस तरह से राइट कर देना है. देखो यहाँ पे विल था ना, विल फर्स्ट प्लेस पे आ गया. द बीस कलेक्ट पोलन टू मेक हनी. ठीक, अब क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन मार्क तो यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. ठीक, सो विल द बीस कलेक्ट पोलन टू मेक हनी. नेक्स्ट एग्जाम्पल डिक्लेरेटिव, यू कैन हेयर अ ट्रेन विसल. In this sentence, can is the helping verb, so write at the first place, can you hear a train whistle? You can hear a train whistle? Can you hear a train whistle? Simply you have to start the question with simple form. Okay? You have to use all these helping verb at the first place. Next example. Declarative, Raman is 10 years old. Okay, so helping verb is Raman 10 years old? Okay, easy na? पहले आपको find out करना कि helping verb उसमें क्या है. अगर helping verb नहीं दिया है, ठीक ना, तो हम अगर simple present tense का है तो do does, do for plural, does for singular. ठीक, और अगर आपका example, आपका sentence past tense में है, simple past tense में, तो क्या होता है, डिड यूज होता है सबके लिए, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. ठीक, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, से और स्टेट समथिंग, दे एंड विद अ फुल स्टॉप. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आस्क अ क्वेश्चन, दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. वी कैन कॉल डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस सिंपली स्टेटमेंट्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस. ओके, टू फॉर्म होते ना, डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव. डिक्लेरेटिव में क्या होता है, एक तरह से आंसर होता है, स्टेटमेंट होता है. और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एक तरह से क्वेश्चन होता है. व्हेनेवर यू सी एनी क्वेश्चन, इट मीन्स दैट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वी कैन चेंज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. लाइक बोनो इज योर पेट डॉग, इज बोनो योर पेट डॉग. सिंपली यू हैव टू राइट इस और हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट प्लेस. ओके, नेक्स्ट द फूड वॉज वेरी टेस्टी. वॉज द फूड वेरी टेस्टी. ओके, सो रेडी टू सॉल्व दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर जी, चेंज द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज इन टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज. क्लास हियर देर आर सम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज, यू हैव टू चेंज देम और कन्वर्ट देम in interrogative form. So the first is, you can help me fix this tape. Okay, so the interrogative form is, can you help me fix this tape. Okay, next, the driver is parking the car. Next, the puppy will chew on the shoe. Will the puppy chew on the shoe? Next, is Meera reading a book?
मेरा इज रीडिंग अ बुक इज मेरा रीडिंग अ बुक. ओके, सिंपली आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब उसको फर्स्ट प्लेस पे कर दो और बाकी सब सेम टू सेम. ओके, नेक्स्ट इज दे आर लुकिंग एट द बटरफ्लाइज. आर दे लुकिंग एट द बटरफ्लाइज. सुमित हैज बॉट अ साइकिल. हैज सुमित बॉट अ साइकिल. रॉफ कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स. कैन रॉफ लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स. शालू विल अराइव टू नाइट. विल शालू अराइव टू नाइट. सो इजी ना, यू हैव टू सिंपली यूज दिस हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट प्लेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एच. चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू स्टेटमेंट्स. नाउ हियर यू हैव टू चेंज ऑल दिस क्वेश्चन सेंटेंसेस इनटू अ स्टेटमेंट फॉर्म. ओके, डिक्लेरेटिव फॉर्म. सो द फर्स्ट इज विल यू गो टू द मार्केट टुडे. यू विल, अब देखो इंट्रोगेटिव में हम क्या कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे ना. विल यू, अब स्टेटमेंट बनाना है तो यू विल कर दो बस और कुछ नहीं, और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप हो जाएगा. ठीक, सो यू विल गो टू द मार्केट टुडे. नेक्स्ट, हैज सैम रिटन द लेटर टू हिज सिस्टर. सैम हैज रिटन द लेटर टू हिज सिस्टर. नेक्स्ट, इज समबडी जंपिंग ऑन द रूफ. समबडी इज जंपिंग ऑन द रूफ. कुछ नहीं करना, बस आपको हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट होता है, ठीक ना, जो नाउन वर्ड या प्रोनाउन वर्ड है उसी में बस रिप्लेस करना है. अगर आपका स्टेटमेंट सेंटेंस है तो पहले आपका सब्जेक्ट होगा, नाउन प्रोनाउन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. और अगर आपका क्वेश्चन सेंटेंस है तो पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन वर्ड होगा. ओके, नेक्स्ट इज कैन रीमा बेक अ केक अलोन. रीमा कैन बेक अ केक अलोन. वर यू स्टडिंग इन माई रूम. यू वर स्टडिंग इन माई रूम. ओके, इज दैट अ हॉर्नबिल. दैट इज अ हॉर्नबिल. शुड ही कॉल बिफोर कमिंग. ही शुड कॉल बिफोर कमिंग. वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग. दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग. सो क्लियर क्लास, हाउ टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस. एंड हियर चैप्टर 19 सेंटेंसेस टोटली कंप्लीटेड. होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल दैट हाउ टू कन्वर्ट ऑल दिस सेंटेंसेस एंड वॉट दे आर. सो क्लास, इट्स इनफ फॉर द डे. थैंक यू.